राहुल गांधी के साथ बैठे सीएम गहलोत के लिए एक बुरी खबर है और इस बुरी खबर का असर राहुल गांधी पर भी पड़ सकता है। चिंतन शिविर के लिए जोर शोर से मेहनत करने वाले सीएम गहलोत ने दो दिन पहले ही अपने एक विधायक से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उनके इन विधायक ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया था, मगर अब उन्हीं विधायक की वजह से कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। तो आज क्या आपने सरेंडर किया है? भोरपुर मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। दरअसल धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में इंजीनियर के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का मेडिकल कराकर गुरुवार को सीआईडी सीबी ने न्यायालय पेश किया था। एससी एसटी कोर्ट द्वारा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसी दौरान विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिससे विधायक के संपर्क में आए सभी लोगों में हड़कंप मच गया। बुधवार को पूर्व सीएम आवास पर सीएम गहलोत से भी गिरिराज सिंह मलिंगा की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा पूरी कार्रवाई के दौरान विधायक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में सरेंडर करने के बाद सीआईडी सीबी के अधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के संपर्क में रहे थे। पूरी कार्रवाई के दौरान किसी ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक मुंह पर मास्क का प्रयोग नहीं किया। मलिंगा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं संपर्क में रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी चिंता में हैं। अब सवाल है, कोरोना संपर्क में आए विधायक की खबर क्या सीएम तक नहीं पहुंची, और अगर नहीं पहुंची तो अब राजस्थान तक आगाह कर रहा है। चिंतन शिविर की चिंता को लेकर सीएम गहलोत पिछले दो दिनों में न जाने कितने लोगों से मिले होंगे, कितने अधिकारियों से मिले होंगे। आज चिंतन शिविर के लिए आए राहुल गांधी के साथ बस में उनका सफर कहीं प्रदेश में कोरोना का विस्फोट न बन जाए।